समाचारों की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात करते हैं, लेकिन इनका ग्रामीण क्षेत्रों में कोई असर नहीं हो रहा है। हम बात कर रहे हैं जनपद पंचायत मल्हारगढ़ की, ग्राम पंचायत गोपालपुरा की, जहां शासकीय माध्यमिक विद्यालय के आसपास व अंदर गंदगी के ढेर बदबू मारते रहते हैं, तो वहीं स्कूल के चारों ओर नाली व रूढ़ियाँ होने से मच्छर भिनभिनाते रहते हैं, लेकिन छात्रों को मजबूर होकर अपने भविष्य संवारने के लिए ऐसे हालात में भी पढ़ाई करनी पड़ती है। ग्रामीण मेहरबान सिंह गरासिया, शैतान चौहान, अनिल गरासिया, बबलू चौहान ने बताया कि गांव में शासकीय स्कूल के आसपास बड़ी बड़ी रूढ़ियाँ हो रही हैं, बारिश में दिन भर मच्छर उड़ते रहते हैं, स्कूल के पास नाली में भी सफाई नहीं हो रही है, बालाजी मंदिर व हेडपम्प के आसपास सहित गाँव में सभी जगह कीचड़ ही कीचड़ है, जिससे बीमारियां फैलती रहती है। कुछ दिन पूर्व भी डेंगू जैसी बीमारी ने कई लोगों को चपेट में ले लिया था, जहां लाखों रुपए खर्च कर नीमच के चोड़िया हॉस्पिटल में इलाज कराया। गांव में चारों तरफ फैली गंदगी के लिए कई बार ग्राम पंचायत को अवगत कराया, लेकिन पंचायत वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिससे बारिश के दिनों में गाँव में महामारी फैल सकती है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शमशान घाट में भी अंतिम संस्कार के समय बैठने की जगह भी नहीं है, तो गांव में जगह जगह अतिक्रमण हो रहा है।